धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। नमस्कार जी। दादा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री बालाजी। दादा आज मंदिर के अंदर कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ थी, तो आज हमारे स्थित पीठ ताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में क्या आयोजन था जी? जय श्री बालाजी की नमः शिवाय। शीत पीठ बालाजी धाम में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर का पार्थिव रुद्राभिषेक था और यहाँ पे महात्याग रामचंद्र जी महाराज रहते थे, तपे थे, उनके तपके से श्री राम का अखंड कीर्तन चलता है। क्या नाम था अपने? रामचंद्र जी ब्रह्मलीन महात्यागी रामचंद्र जी महाराज। रामचंद्र दास जी महाराज, उनके पुण्य प्रताप से अखंड कीर्तन चलता है जो आज कम से कम 47 साल से चलता है। रात दिन चलता रहता है, इसमें 10 आदमी काम करते हैं और ये कीर्तन की महिमा से देखो देश में कोरोना वायरस आया तो संकट कर गया और द्वितीय प्राणी को अभय प्रदान करते हैं। और बालाजी महाराज विशेष कृपा है, यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ और ये अभिषेक ये बहुत होते थे। बाबा जी के शरीर शांत शिवरात्रि को उनका ब्रह्मलीन हुए थे शिवरात्रि को, तो उनके पुण्य उनकी जन्म पुण्यतिथि मनाने के लिए शिवरात्रि का पर्व है, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होता है और उनकी पुण्यतिथि अभिषेक द्वारा मनाते हैं। भगत बहुत रुचि रहते हैं। ये रामचंद्र दास जी बाबा जी है, थोड़े से इनकी फोटो दिखाना जी बाबा जी की, ये जो सामने है ये बाबा जी बीच में जो है, तो आज इनकी पुण्यतिथि है। मतलब कितने साल हो गए उनको? लगभग उनको करीब 11 साल हो गए। मतलब 11 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ था शिवरात्रि को बोल के, उनको तो अनुभव हो गया था। यहाँ पे बहुत भक्त लोग रहते हैं, उनको उन्होंने टेलीफोन मोबाइल द्वारा सबको सूचित किया कि आज मैं आर पार की लड़ाई से मुक्त हो गया हूँ, भगवान के चरण पर श्री धाम में पहुँचने के लिए जा रहा हूँ, निवास करने के लिए जा रहा हूँ। देखो जी कितना बड़ा चमत्कार है, ये त्यागी बाबा श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वो यहाँ श्री सिद्धपीठ से ताल वाले बालाजी प्रांगण, ये जो मंदिर जो बड़ा देख रहे, मतलब जो आप देख रहे हो यहाँ वो सेवा करते थे और मतलब छोटी अवस्था के अंदर ये यहाँ गए थे और उन्होंने यहाँ बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा काफी दिनों तक उन्होंने मतलब पंथ धुनी तपी थी और उन्होंने यहाँ पे तपस्या भयंकर तपस्या की थी, तो यहाँ पे देशवासी अपने नगरवासी सब भक्त लोग श्रद्धालु सब उनको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ और बड़े राम डोंगरी जी महाराज की राम कथा और भागवत सब करवाई थी और उनका रुचि अखंड कीर्तन चल रहा है यहाँ पे और भूतनाथ दरबार वो गोमजी कुएं के पास में वह अखंड रामायण चलती है। सीकर के अंदर कल्याण जी का मंदिर है, वह अखंड रामायण अभी चल रही है। देखो जी आज बाबा जी की कृपा से ही आज ये सारा कार्यक्रम आप देख रहे हो यहाँ हुआ और मैंने आप उसकी छोटा सा जो अंश आपको दिखा दिया। आज इन्हीं बाबा जी का यह पुण्य प्रताप है कि आज इतना बड़ा मंदिर है। इसी के साथ ही और हाँ थोड़ा सा इनके शंकर भगवान के बारे में पिंटू जी से जो दादा हमारे पूछते हैं जी, अजय जी पुजारी से। लो अजय जी बताना जी। हाँ भगवान शंकर महामृत्युंजय अभय प्रदान करते हैं, बड़े बड़े संकट काटते हैं, रोग पीड़ा सब करते हैं। हम ये भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते हैं, श्याम प्रसाद से ये प्रार्थना करते हैं कि नगरवासी के दुख संकट दूर करे, श्री यश कीर्ति की प्राप्ति हो, उनको सुख संपत्ति द्विपद प्राण अभय प्रदान हो और सब भगवान को भला करे, शंकर शांति रखे, विश्व में शांति रखे। बोल बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे को इतना समय दिया और इस चैनल के अंदर धार्मिक चैनल में मैं आपसे भक्तों का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं अभी जो भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कृपया शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब।